हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितनी लागत आती है। मैंने इसमें सारी कैलकुलेशन जो लेटेस्ट रेट हैं उनसे करी है, मार्केट रेट से करी है। तो चलते हैं आगे, बहुत ही जानकारी से भरपूर होने वाला है, तो आप इसे अंत तक देखें वीडियो को और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट का जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल कॉस्ट का, वो रहेगा लगभग 11%। 1000 स्क्वायर फीट में सीमेंट बैग की आवश्यकता होती है 400 बैग, और अभी जो लेटेस्ट प्राइस मार्केट में चल रहा है वो एक बैग का है 425 रुपये। तो 425 रुपये को हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो कॉस्ट निकल कर आएगी 1,70,000 रुपये। तो दोस्तों सीमेंट का आपका प्राइस हो गया 1,70,000 रुपये प्रति 1000 स्क्वायर। अब बात करते हैं स्टील की। तो स्टील का टोटल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट का रहने वाला है 16%। स्टील लगेगा आपके फाउंडेशन में, कॉलम में, प्लिंथ फ्रेम में, डोर फ्रेम में, रूफ फ्रेम में और लिंटर में। थंब रूल के हिसाब से जो स्टील का टोटल वेट निकल के आएगा वो आएगा 3,428 रुपये। अभी का मार्केट प्राइस जो चल रहा है 17,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। तो 17,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,428 kg से, तो कॉस्ट निकल के आएगी स्टील की वो आएगी लगभग 2,40,000 रुपये। फिर बात करते हैं सैंड की। तो सैंड का टोटल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट का रहेगा अराउंड 6%। 1000 स्क्वायर फीट में जो आवश्यकता होती है सीमेंट की वो रहती है 1800 क्यूबिक फीट। 1800 क्यूबिक फीट को हम कन्वर्ट करेंगे टन में तो निकल के आएगा 78 टन। एक टन की जो कीमत है वो 1200 रुपये है लगभग। तो 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, तो सैंड की कॉस्ट निकल के आएगी लगभग 93,000 रुपये। फिर बात करेंगे एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट का टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा अराउंड 4%, और ये निकल के आएगा आपका 1000 स्क्वायर फीट में 1350 क्यूबिक फीट। 1350 क्यूबिक फीट को हम कन्वर्ट करेंगे टन में तो निकल के आएगी वैल्यू 58 टन, और 58 टन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी हम, क्योंकि 1200 का ही रेट एग्रीगेट का चल रहा है अभी, तो ये लगभग कॉस्ट निकल के आएगी 59,000 रुपये। तो एग्रीगेट की कॉस्ट होगी 59,000 रुपये। बात करते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक का टोटल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है अराउंड 10%। रिक्वायरमेंट रहती है पर 1000 स्क्वायर फीट में 25,000। अभी का लेटेस्ट प्राइस है पर 1000 का 6000। 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, तो कॉस्ट निकल के आएगी 1,50,000। तो 1,50,000 रुपये की आपकी हो जाएंगी ईंटें। दोस्तों बात करते हैं टाइल्स की। तो टाइल्स का जो साइज होता है मार्केट में वो रहता है 2x2 का, मतलब एक टाइल का साइज हो गया 4 स्क्वायर फीट का। एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट जो रहती है मार्केट में लगभग रहती है 60 रुपये। मैं 60 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो आता है 240 रुपये। 240 रुपये की मतलब एक टाइल हो गई। तो एक टाइल की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टाइल से वो है 100, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो कॉस्ट आएगी 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये की दोस्तों हो गई आपकी टाइल्स। बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट आपका लगेगा सीढ़ियों पर और किचन में। रिक्वायरमेंट रहेगी 129 स्क्वायर फीट, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 150 से, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 19,350 रुपये। तो ग्रेनाइट की कॉस्ट होगी 19,350 प्लस टाइल की कॉस्ट हो गई 24,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट होगी 43,350। इसको मैंने राउंड फिगर में दोस्तों कर दिया है 44,000 रुपये। बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग होगी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसकी कॉस्ट मैंने पर 1000 स्क्वायर फीट में रख दी है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये हो गई आपकी पेंटिंग की कॉस्ट। फिर बात करते हैं प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड वुडन वर्क की। तो इसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है, और ये टोटल कॉस्ट का अराउंड 23% रहता है। इसकी कॉस्ट मैंने रख दी है 3,51,000 रुपये। बाथरूम में मैंने सभी फिटिंग्स ले ली है, पाइप फिटिंग्स और जो भी एसेसरीज रहेगी बाथरूम की वो मैंने सब इंक्लूड कर लिया है। किचन में जो वुडन वर्क रहेगा उसमें जो आपका मॉड्यूलर किचन रहेगा उसका कॉस्ट इंक्लूड कर लिया है। विंडो और डोर्स का जो फिटिंग चार्जेस रहेगा वो भी इंक्लूड कर लिया। इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस एंड अप्लायंसेस, डोर्स एंड विंडो को इसमें हैंड रेल की भी कॉस्ट इंक्लूड कर ली। तो ये टोटल कॉस्ट बनती है लगभग 3,51,000 रुपये। अब बात करते हैं लेबर चार्जेस की। तो लेबर चार्ज का जो करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है 300 रुपये प्रति स्क्वायर फिट। तो 1000 स्क्वायर फिट के लिए ये कॉस्ट हो गई 3,00,000 रुपये। तो इन सभी कीमतों को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 1,37,000 रुपये। तो आपने जाना कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में जो लागत आती है वो 1,37,000 रुपये आती है। वहीं आप इसको पर स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो कीमत आएगी 1,537 रुपये। इसी के माध्यम से आप जो है
1,500 स्क्वायर फीट के लिए, 2,000 स्क्वायर फीट के लिए आसानी से कीमत निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।